हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। दोस्तों आज की मेरी रेसिपी है चिकन टिक्का। सुनते ही नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। इसे बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और इसके बड़े बड़े 1 से 1.5 इंच के पीसेस क्यूब्स की शक्ल में कटवाए हैं। ये मैंने चिकन का ब्रेस्ट का पीस लिया है और इसके कुछ ये पीसने के लिए मसाले हैं। 1 लहसुन की कलियों को साफ़ कर लिया है, 3 हरी मिर्चियाँ ली हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा साफ़ कर लिया है और इन्हें मैं पीस लूँगी। नींबू लिया और कुछ पाउडर मसाले भी आएंगे और कुछ और मसाले आएंगे जो कि मैं साथ साथ दिखाती चलूँगी। पहले दिखाती हूँ और बाद में बनाती हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो अब ये तीनों चीज़ों को मिक्सी में डालकर पीस लूँगी। इसे मैं अपने घर में 3G पेस्ट के नाम से बुलाती हूँ। तो अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसके अंदर इसे पीसने के लिए थोड़ा सा लिक्विड चाहिए। तो मेरे पास है ये दही का पानी। जो दही मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ उस दही को मैंने छान लिया है, पानी सेपरेट कर लिया है और सॉलिड दही सेपरेट कर लिया, मीन्स हंग कर्ड सेपरेट कर लिया है। तो इस पानी को थोड़ा सा इसमें डालूँगी और उसके साथ में इसे पीस कर पेस्ट बनाऊंगी। सादा पानी नहीं डालूंगी। इस पानी को जब भी आप हंग कट बनाते हैं तो ना फेंकें और ये पानी जामन के रूप में भी यूज़ होता है और दूसरी चीज़ों में भी डालने के लिए यूज़ होता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के जितना पानी इसमें डाला और इसे पेस्ट बना लिया। 20 सेकेंड मैंने चलाया है इसे और इसका बहुत अच्छा फाइन पेस्ट बन के तैयार है। तो इसे साइड में रख दिया और मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल और अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। मैं चिकन टिक्का को कभी भी, चिकन टिक्का और तंदूरी को 2 मैरिनेशन से मैरिनेट करती हूँ। तो ये मैंने वो 2 नींबुओं का रस निचोड़ लिया है और इसमें से आधी क्वान्टिटी रस की मैं इस चिकन के क्यूब्स के ऊपर लगा दूँगी और आधी को मैं बचा लूँगी जो कि सेकेंड मैरिनेशन में काम आएगी। तो ये देखिए मैंने आधी क्वांटिटी इसमें डाल दी लेमन जूस की, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया। अभी इन्हें मिक्स करके मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी इसे मैरिनेट होने के लिए। इसे ढककर रख दिया। अब ये 10 मिनट तक जब तक मैरिनेट हो रहा है तब तक मैं दूसरा मसाला तैयार करूँगी इसका मैरिनेशन का। तो फिर से मैंने एक छोटा मिक्सिंग बोल ले लिया है। इस बोल के अंदर मैं वो बचा हुआ नींबू का रस डाल दूँगी। आपने देखा होगा कि नींबू के रस में उसके बीज नहीं हैं, बीज हमेशा निकाल दें। अब ये आ गया 1 प्याला हंग कर्ड मेरे पास। तो मेरे पास है 1/2 किलो चिकन, तो उसके लिए मुझे चाहिए करीब 1 कप हंग कर्ड। तो मैं इसमें 1 कप के जितनी क्वांटिटी डाल दूँगी मिक्सिंग बोल में। ये मैंने ले लिया। 1/2 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर आ गया, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, ये ध्यान में रखते हुए कि मैंने पहले मैरिनेशन में भी थोड़ा नमक डाला है तो कंट्रोल में, और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही ये हमारा 3G पेस्ट, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट, मतलब लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसे मिक्स करेंगे, पेस्ट को बराबर फाइन पेस्ट बना देंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी रेड ऑरेंज फूड कलर। मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर को थोड़े से गुलाब जल में मिक्स किया है और साथ ही 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल आ जाएगा, रिफाइंड ऑयल आ जाएगा। ऑयल डालने से तंदूरी और टिक्का बहुत मॉइस्ट मसाला बनता है और बिल्कुल भी रूखापन नहीं आता है उसके अंदर। जब भी टिक्का रूखा हो जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब ये देखिए मसाला अच्छी तरीके से पेस्ट बन के तैयार है और ये 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और ये बाकी के मसाले से भी मैं इसे मैरिनेट कर दूँगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि इस मिक्सचर को पूरा, इस चिकन को इन दोनों मसालों से मैरिनेट करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहें बना सकते हैं। वैसे इसे आप अभी मैरिनेट करने के बाद 10 मिनट के अंदर भी बना सकते हैं, तुरंत भी बना सकते हैं और ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 2-4 दिन के लिए भी रख सकते हैं। ये मैरिनेट हो गया, 10 मिनट कंप्लीट हो गए। अब मैं इसे पकाऊंगी। इसे पकाने के लिए मैं लूँगी ये वुडन स्टिक्स और मुझे इसके पीसेस को वुडन स्टिक्स में लगा देना है। मैंने वुडन स्टिक्स को पानी में भिगो कर रखा है जिससे कि वो पकाते वक्त जले नहीं। ओवन में पकाने पे अगर ये नम नहीं होती हैं वुडन स्टिक्स तो जलने लगती हैं, जल जाती हैं। तो इसलिए मैंने वुडन स्टिक्स को पहले से ही भिगो कर रख दिया था पानी में। अब देख, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसे इन स्टिक्स में लगा दूंगी पीसेस को
तो एक स्टिक में जितने पीसेस आसानी से आ जाएंगे उतने ही लगाऊंगी। तो मेरे में ये चार पीसेस आ रहे हैं तो मैंने चार पीस लगा दिए। बड़े बड़े पीसेस चिकन के इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे आप थोड़े और बड़े पीसेस कटवाना चाहें तो भी कटवा सकते हैं। और अब ये इन स्टिक्स में लगाकर मैं साइड में रखती जाऊंगी, उसके बाद मैं पकाना स्टार्ट करूंगी। सारे पीसेस को मैं स्टिक्स में लगा लूंगी, एक एक स्टिक में मेरे चार चार पीस लग रहे हैं, क्योंकि मेरी स्टिक मीडियम साइज़ वाली है, बहुत छोटी भी नहीं है और बहुत लंबी वाली भी नहीं है। ये मैंने सबको लगा दिया, मैं बनाऊंगी इसे। गैस पे मैंने मेरा रॉकी पैन रख दिया है, आपको पहले से ही आप इसे पहचानते हैं। ये मेरा रॉकी पैन बहुत हैवी बॉटम का है, तो इसमें टिकअप बड़ी आसानी से पकता है। अगर आपका बहुत हैवी बॉटम पैन नहीं है तो आप पैन के नीचे एक तवा रख कर बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। ओवन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मोटा तवा है, मोटा पैन है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने पैन में डाल दिया है गर्म होते बराबर घी बटर। तो मैं देखती हूँ जितना बटर मुझे सफिशिएंट है उतना ही मैं डालूंगी। मैंने 50 ग्राम का क्यूब इसमें डाला था, ये थोड़ा सा बचा लिया है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बटर नहीं चाहिए। और अब मैं इसके अंदर एक एक पीस लगाती जाऊँगी। पैन मेरा गर्म हो गया है, उसके बाद मैंने गैस का आँच मीडियम और हाई के बीच में कर दिया है, और बस अब मैं इसे इसी आँच के ऊपर पकाती जाऊँगी। और ये इतने अच्छे पीसेस कटे हैं और इतना अच्छा मैरिनेशन बना है कि बस अब इसे दोनों तीनों चारों तरफ से अच्छे से पकते बराबर टिक्का तैयार हो जाएगा। प्लेट में जो मसाला लगा रह गया है मैंने उसे पीसेस के ऊपर फिर से लगा दिया। अच्छा, ये मसाला मैरिनेट जब करते हैं तो कभी कभी मैरिनेशन में से मसाला बहुत सारा बच जाता है, तो उसे आप लास्ट में बटर के साथ में भून कर साइड की ग्रेवी बना सकते हैं। अब ये पकते जाएगा, जैसे ही ये एक साइड से पक जाएगा तब मैं पलटूंगी। पानी इसने काफ़ी सारा छोड़ा है, वो चिकन का पानी है, दही का पानी नहीं है, क्योंकि दही में का पानी तो मैंने सारा छान कर निकाल दिया था। तो ये चिकन का अपना नेचुरल पानी है और वो आएगा, और ये इसी पानी में पकेगा। और इसे ढकने की भी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से ऐसे इसे हिला हिला कर पका लें, चारों तरफ पकाएं, और इसे तब तक पकाएं जब तक कि इसका पानी अच्छी तरीके से सूख जाए, मसाला सारे पीसेस में लिपट जाए और पीसेस के ऊपर ब्राउन डार्क ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देने लगे, तब तक इसे पकाना है। तो देखिए मैंने इसे ऐसे पका रही हूँ, और ये देखिए मसाला पूरा लिपट गया है। नॉन स्टिक पैन में तंदूरी और टिक्का बनाना बहुत ईजी होता है। कई लोगों को लगता है कि नहीं ये तो तंदूरी नहीं है, ये तो फ्राइड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाएंगे तो इसका टेस्ट किसी तंदूरी टिक्का से कम नहीं आएगा, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए पक के तैयार हो गया, पानी सूख गया, मसाला पूरा लिपट गया है और ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं पीसेस पे। अब दूसरे गैस पे मैंने एक कोयले का टुकड़ा रख दिया है जलने के लिए, वो जैसे ही जल के तैयार हो जाएगा तो मैं इसे स्मोक दूंगी, ऑथेंटिक तंदूरी का स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। तो ये मैंने छोटा कटोरी रख दिया इसके अंदर, और वो मेरा कोयला भी पूरा जल के तैयार हो गया है, उसे इसके अंदर रख दिया। और इसके ऊपर मैं डालूंगी आधा चाय का चम्मच के जितना मस्का मींस मक्खन या बटर, और अब मैं इसे ढक दूंगी। मेरे पास इसके बराबर का जो ढक्कन है उससे मैंने इसे ढक दिया है, और एक मिनट तक ढका रहने दूंगी। और ये देखिए मैंने एक मिनट तक ढकने के बाद खोल दिया, इसमें का धुआं भी ख़त्म हो गया, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिशनल सी तंदूरी की खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब जब आप किसी के सामने इसे सर्व करने जाएंगे तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये कोयले के ऊपर नहीं पका है। ये सारे पीसेस को मैंने निकाल लूँगी और मैं इन्हें गार्निश करूँगी सर्विंग प्लेट में। आप इसे चाहे तो सलाद के साथ, चाहे तो हरी चटनी के साथ, चाहे तो डिप्स के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने हरी चटनी और वो जो बचा हुआ मसाला था उसे भून लिया है, वो मसाला मैंने साइड में एक पार्ट में रखा है, और अब मैंने इसे सर्व करने जा रही हूँ, क्योंकि घर में सब लोग बड़े बेचैन हैं। तो जल्दी से जाइए, आप भी बनाइए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।